23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब अगली बैठक 17-18 जुलाई को होने जा रही है। मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता के प्रयास में जुटे विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होगी। हालांकि दिल्ली के अध्यादेश पर समर्थन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने इस बैठक में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी को भी न्योता भेजा है, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को दी। ये जानकारी देने के साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता पर तभी बातचीत होगी जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करेगी। जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, TMC हो, लेफ्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब एक दूसरे के खिलाफ राज्य के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाओगे, आप एक दूसरे को चुभने वाली बातें भी कहोगे। मगर अगर आप बड़े स्तर पे कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे एक साथ आने की बात करोगे तो आपको पुरानी बातें तो भूलनी पड़ेंगी। अब ये कहना कि साहब आपकी प्रवक्ता ने ये कह दिया, तो भाई कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कोई जो है लिहाज तो नहीं रखा, वो तो रोज़ सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करते हैं, रोज़ ही करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, अपने अहम को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबको ये करना पड़ेगा, सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है, ये अगर इतना आसान काम होता तो ये 2014 में हो गया होता, 2019 में हो गया होता, नहीं हो पाया ना 14 और 19 में, क्योंकि मुश्किल काम है। मगर करना है और मुश्किल काम है, इसीलिए सब बड़े बड़े नेताओं को साथ आना पड़ेगा और कोई राह निकालनी पड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस स्टैंड पर कभी केजरीवाल की करीबी रही और कांग्रेस नेता बन चुकी अलका लांबा का जवाब सामने आया है। मामले में ट्वीट करते हुए अलका लांबा ने लिखा, अध्यादेश पर कांग्रेस के फैसले का आम आदमी पार्टी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस दिल्ली और बाकी राज्यों को मिले कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को लेकर लड़ी है और केंद्र की तानाशाह सरकार से लड़ती रहेगी, सरकार चाहे किसी की भी क्यों ना हो। कांग्रेस को जब फैसला लेना होगा तब ले लेगी, किसी के दबाव में या ब्लैकमेल में कभी नहीं आती। फैसला हो सकता है 19 जुलाई को ले, आप फैसला कीजिए कि 17-18 जुलाई की मीटिंग में शामिल होना है या यूं ही बीजेपी के दबाव में कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करते रहना है। #हैशटैग आम आदमी पार्टी के ठगों से सावधान। जहां एक तरफ कांग्रेस बैठक में शामिल होने के लिए केजरीवाल को न्योता भेज रही है, वहीं केजरीवाल अध्यादेश के मामले में कांग्रेस को पहले स्टैंड क्लियर करने को कह रहे हैं। अब ऐसे में आप विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होती है या नहीं होती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।